Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. परेशानी की बात ये थी कि कुछ घरों में चूल्हों पर पतीले रखे हुए थे, लेकिन उनमें खाना जल चुका था। यानी इन लोगों ने रात के लिए खाना पकाने रखा तो था, लेकिन वो खा नहीं सके। कुछ कमरों में लालटेन भी जल रही थीं, सारा सामान भी जगह पर था और धुले हुए कपड़े भी रस्सियों पर सूख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग अचानक सब कुछ उसी हाल में छोड़कर वहाँ से कहीं चले गए हों। लेकिन ये सब लोग गए तो गए कहाँ? जो ने जब पूरे गांव की तलाशी ली तो देखा कि जो कुत्ते एस्किमोज़ ने पाले हुए थे उन सब के गलों में पट्टे बंधे हुए थे। उनके सामने खाना भी रखा हुआ था, मगर वो सब मर चुके थे। रात के इस पहर अकेले ये सब कुछ देखकर जो बहुत घबरा गया था। दूर दूर तक छाई खामोशी चीख चीख कर ये कह रही थी कि यहाँ ज़रूर कुछ अनहोनी हुई है। ऐसी क्या मजबूरी थी कि एस्किमोस अपना सारा सामान, जूते, कपड़े, पालतू कुत्ते और तो और चूल्हों को भी जलता हुआ छोड़कर चले गए? मजीद वक्त जाया ना करते हुए जो फौरन वहां से निकला और करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंचकर उसने रॉयल कनेडियन माउंटेड पुलिस कैंप से रब्ता किया और उन्हें आंखों देखा हाल सुनाया। पुलिस जब वहां पहुंची तो जो की बताई हुई एक एक बात को सच पाकर हैरान हो गई। उन्हें पहले शक हुआ कि शायद गांव पर किसी ने हमला करके सारे एस्किमोस को मार दिया है, लेकिन अगर ऐसा होता तो गाँव में कहीं तो खून के निशान मिलते। खून ना सही, मार धाड़ की वजह से कुछ सामान तो बिखरा हुआ होता, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला सिवाय एक चीज के। पूरा गांव बर्फ की चादर से ढका हुआ था, मगर उस पर किसी के पैरों के निशान नहीं थे। वहाँ सिर्फ एक शख्स के पैरों के निशान मौजूद थे और वो जो लवेल के थे। कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले हिस्से का।